नमस्कार दोस्तों, फूड एंड ट्रैवल बाय रजनी सैनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं सामने, जी हाँ, इंडिया गेट। आज हम आए हैं इंडिया गेट, और इंडिया गेट हम क्यों आए हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लगा है दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल, जो कि लगा है 16 तारीख से 30 दिसंबर तक। और इस फेस्टिवल में क्या क्या है वो सब आपको हम बताएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, और इसका उद्घाटन जो है वो मोदी जी ने किया था। इसका वीडियो भी मैंने अपने वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ये रहा इंडिया गेट, और यहाँ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं इस इंडिया गेट को देखने। इसकी कोई टिकट नहीं है, आप आइए देखिए। और ये जो रोड है इसको कर्तव्य पथ भी बोलते हैं। और दोस्तों, यहीं पर ही है परम योद्धा स्थल, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, तो वो है उधर। तो वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं क्या है। और ये जो है आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बिल्कुल साइड में ही है परम योद्धा स्थल। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये है वो, और यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय सशस्त्र सेनाओं में संयुक्त ऑपरेशन। प्लेन बनाए हुए हैं, यहाँ पर जो है शिप बनाई हुई है, उधर टैंक बनाया हुआ है जैसा देखें, और इधर सैनिक हैं, ये देखिए ये टैंक बनाया हुआ है। और ये चारों तरफ आप देखेंगे ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा है। और शाम के टाइम तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, और मौसम भी बहुत अच्छा है। इसमें आप सबका स्वागत है। दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल इज इंडियाज़ मोस्ट आइकॉनिक आर्ट्स फेस्टिवल, विच इज रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ ब्रांड इंडिया फेस्टिवल। विश्व स्तर पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय आर्ट्स महोत्सव ब्रांड इंडिया फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। विद इंडिया सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव एंड टेकिंग ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल लॉन्चेस इट्स अमृत महोत्सव एडिशन एट कर्तव्य पथ विद द टैगलाइन वेयर भारत मीट्स इंडिया। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया है, और यहाँ पे इस तरीके के कई प्रोग्राम होते रहते हैं। टाइमिंग मैंने आपको बताई दी है 6 बजे से 8 बजे तक है।
ही राजा थे। मेरी ये अयोध्या नगरी स्वयं मनु ने बसाई थी। कभी इस नगरी पर घोर संकट आया था। प्राण राजा दशरथ वचन प्राण राजा दशरथ महाराजाओं का स्वागत है। आप सबको विदित होगा मेरी बेटी सीता भू माता के पेट से जन्मी है। सीता कभी भगवान परशुराम के धनुष पर बैठ खेला करती थी। परशुराम ने मुझे कहा था जो वीर पुरुष मेरे इस धनुष पर डोर चढ़ाकर धनुष को बांधेगा वही तुम्हारी बेटी का पति होने के लायक। तरीके के ये फंक्शन चलता रहता है जो कि 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।